सो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम संतोष और भाई आज आ चुके हैं न्यू मारुति एस्प्रेसो के सामने। ये वीडियो जो है ना काफी लेट आ रही है। कार को लॉन्च हुए काफी टाइम हो गया, इस वेरिएंट को लॉन्च हुए काफी टाइम हो गया है और मेरे चैनल को भी मतलब 6-7 दिन हो गए, इस पर वीडियो नहीं आ पाई, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से नहीं आ पाई। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपके सामने है आज एस्प्रेसो। सारी सारी बात करने वाले इसके बारे में, इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, इंजन आपको कैसा मिलता है और अगर कंपनी ने चेंज करके, क्योंकि एस्प्रेसो में सीएनजी पहले भी आता था बट अगर कंपनी ने चेंज करके निकाला है, कुछ अपग्रेड किया है तो क्या अपग्रेड किया, ये वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये कहा था कि भाई कोई भी डिस्कशन करने से पहले ना कार का एक आउटलुक दे दिया करो, तो आज सबसे पहले वही करेंगे भाई, सबसे पहले आउटलुक देंगे कार का। ठीक है भाई, हैं अपने सब्सक्राइबर है तो उनका भी एक मान रख लेते हैं। फ्रंट से आप लोग लुक देख लो, किस तरीके से लुक आपको देखने के लिए मिलने वाला है, फ्रंट से आपको जिस तरीके से लुक देखने के लिए मिलेगा। और साइड से लुक दिखा देता हूँ किस तरीके के साइड मिलेगा। साइड लुक जो है, साइड फ्रेम आपको कुछ ऐसा मिलता है, व्हील कैप्स वगैरह जो भी, मतलब जितनी भी सारी स्पेसिफिकेशन है ना वो मैं आपको अब एक बार पूरा आउटलुक दिखाने के बाद करूंगा। ठीक है, तो भाई साइड का आउटलुक देख लो, जिस तरीके से साइड का आउटलुक आपको देखने के लिए मिलने वाला है ड्राइवर साइड का। ठीक है, आप की देख लो कि आपको एक नॉर्मल मिलती है, दूसरी आपको मिलेगी यहाँ पे एक स्मार्ट की, जैसे कि मारुति की सभी कार में आती है ना, मतलब जैसे मारुति की सभी कार में आपको की देखने के लिए मिलेगी स्मार्ट वाली, टिपिकल वही स्टाइल में आपको की मिलती है। लॉक अनलॉक के दो बटन्स देखने के लिए मिलेंगे, एक स्मार्ट की मिलती है, दूसरी नॉर्मल की मिलेगी, ये VXI वाले वेरियंट है। ठीक है, बाकी इंडिकेटर्स वगैरह कुछ इस तरीके से ब्लिंक होते रहेंगे, यहाँ पे आपके साइड फेंडर्स पे इंडिकेटर्स आते हैं और साइड पे सारे सारे डोर हैंडल्स भी जो आपके सारे सारे ब्लैक कलर में मिलते हैं, ये जो चीज़ है। और ORVs भी आपके ब्लैक कलर में मिलेंगे, वो बॉडी कलर सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल में आते हैं VXI वाले में, मतलब VXI प्लस वाले। ठीक है, तो बाकी साइड का जो लुक है वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी अब पीछे के प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पीछे कुछ इस तरीके का लुक मिलता है, यहाँ पे आपको सीएनजी का बैजिंग मिल जाती है, हाई माउंट स्टॉप लैंप है, डिफॉगर वगैरह नहीं आता, सुजुकी को लोगो, एस्प्रेसो को लोगो, की होल मिल जाता है पीछे। अगर आपको अपना बूट लिड ओपन करना है तो आप यहाँ से की से भी ओपन कर सकते हो और प्लस अंदर एक लिवर आता है उससे भी आप इसे पुल करके ओपन कर सकते हो। ठीक है, पीछे की ये बात हो गई। पीछे यहाँ पे आपको दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स वगैरह मिल जाएंगे, ब्लैक बम्पर वगैरह मिलता है फ्रंट में, और यहाँ पे जितनी टेल लैंप्स वगैरह ना सारी सारी आपकी नॉर्मल मिलती है। यहाँ पे दो नीचे पार्किंग सेंसर्स वगैरह मिल जाते हैं और नीचे आपको रजिस्ट्रेशन प्लेट्स की लाइट वगैरह मिल जाती है, टेल लैंप्स वगैरह सारी सारी नॉर्मल हैलोजन बेस्ड है। इस साइड से कुछ इस तरीके का लुक मिलता है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें, 27 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें देखने के लिए मिलती है। तो अब चलते हैं कार के फ्रंट में और अब जितनी भी स्पेसिफिकेशंस है ना वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले बता दूं कि आपको अगर सीएनजी वेरिएंट लेना है तो सीएनजी सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, LXI और VXI। अदरवाइज इसमें स्टैंडर्ड LXI, LXI ऑप्शनल वगैरह प्लस करके VXI ऑप्शनल इसका टॉप वाला वेरिएंट है। ठीक है, प्राइसिंग की अगर बात करें तो नॉर्मल जो VXI वेरिएंट का प्राइस है जो कि अभी आपके सामने खड़ा है, इस सीएनजी वाले का प्राइस है जो मतलब नॉर्मल पेट्रोल में आता है उसका प्राइस है 5,15,000 रुपए एक्स शोरूम। उसमें आपको 95,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आपको सीएनजी वाला वेरिएंट चाहिए एक्स शोरूम पे। ठीक है, ये प्राइसिंग की डिटेल्स यानी मोटा मोटा आप ये समझ लो, आपको 95,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एक्चुअल नॉर्मल पेट्रोल वाले LXI या फिर VXI वाले प्राइस के वेरिएंट्स वालों से। ठीक है, ये हो गई आपकी एक बात क्लियर। अब चेंजेस की बात करते हैं। चेंज क्या है, पहले भी सीएनजी में आती थी बट चेंज ये है कि अब मारुति ने इसे रिलॉन्च्ड किया है सीएनजी को, जो कि पहले से इसकी जो माइलेज है ना वो इम्प्रूव्ड हो गई है। पहले जो आपकी एवरेज जाती थी उससे ये अब आपको 1.5 किलोमीटर और एक्स्ट्रा माइलेज देने वाली है, यानी करंट की अगर इसकी माइलेज की बात करें सीएनजी में तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 32.5 किलोमीटर पर किलोग्राम आपको इसमें एवरेज देखने के लिए मिलेगी सीएनजी वाले में। तो ये एक चेंज था। बाकी जो इंजन वगैरह वो सब आपको नॉर्मल मिलता है 1 लीटर का। पावर फिगर्स की अगर बात करें तो सीएनजी में आपको पावर कम मिलती है, जैसे कि 56 BHP आपको निकाल के देता है और 82 Nm का टॉर्क देगा, नॉर्मल वाले में आपको अराउंड 65 BHP के अराउंड मिलती है और 82 Nm का टॉर्क वगैरह इसमें देखने के लिए मिलने वाला है, मतलब सॉरी 90 Nm के अराउंड आपको इसमें टॉर्क वगैरह देखने के लिए मिलेगा। ये होगी सारी सारी बात। फ्रंट से सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। टायर साइज की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 14 इंचेस के टायर साइज वगैरह मिलने वाले हैं। व्हील कैप्स भी आते हैं इसमें जो कि अभी इंस्टॉल्ड नहीं है, बाकी VXI वेरिएंट अगर आप लोगे तो आपको इसमें व्हील कैप भी इंस्टॉल करके दिए जाएंगे। अब बाकी बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने भी चारों चारों डोर हैंडल्स है ये सारे सारे आपके ब्लैक मिलते हैं, बॉडी कलर नहीं मिलेंगे। बॉडी कलर सिर्फ और सिर्फ आपको ये मिलेंगे जाकर VXI ऑप्शनल टॉप वेरिएंट जो है ना उसमें। बाकी डोर की बात करें, नॉर्मल डोर आपको इंटीरियर वगैरह में देखने के लिए मिलने वाला है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं। बाकी मेरा फर्ज है इंटीरियर वगैरह एक्सटीरियर वगैरह सब कुछ दिखाना, वो मैं आपको कवर कर रहा हूँ। इसमें कुछ ऐसा इंटीरियर वगैरह मिल जाता है, डैशबोर्ड वगैरह कुछ ऐसा मिलता है। सीट्स वगैरह की बात करें तो नॉर्मल सीट्स मिलती है, हाइट एडजस्टमेंट वगैरह कोई भी फंक्शन नहीं मिलेगा, रिक्लाइन एंगल वगैरह सब कुछ आता है। सीट्स की जो हाइट है ना वो बहुत अमेजिंग है। इस रेट में अगर कोई मतलब
ले रहा है ना, तो इसका जो सिटिंग पोस्चर बहुत अमेजिंग है। आप अपने नियरेस्ट डीलरशिप में जाना, एक बार बैठ के देखना, बहुत अच्छी हाइट आपको देखने के लिए मिलेगी, पूरा बोनट दिखता है। ठीक है, ये मैं अपने ना एक आंखों के लेवल पे लेके आता हूँ, फिर देखो ये यहाँ से मुझे इतना दिख रहा है, आप समझ लो ऑलमोस्ट छत पूरा, मतलब एकदम बहुत अच्छा बोनट है। व्यू जो है, व्यू एंगल वाइज का ड्राइवर साइड का अमेजिंग है, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों साइड में विदाउट हाइट एडजस्टमेंट सीट के साथ है ये। तो बाकी अब ऑन कर लेते हैं यहाँ पे कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को, कुछ ऐसा आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे आपकी स्पीड वगैरह देखा देगा, यहाँ पे सीएनजी और आपका पेट्रोल जो भी लेवल्स वगैरह हैं फ्यूल के वो बता देगा। बाकी आप यहाँ से ना इन्हें चेंज भी कर सकते हो, 10 सेकंड तक आपको इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा, तो यहाँ से ये चेंज भी हो जाता है, मतलब सीएनजी टू पेट्रोल एंड पेट्रोल टू सीएनजी स्विच करने का बटन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, जिनसे आप अपने हेडलाइट लेवल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है मैनुअल एसी जो कि इनके टॉप वेरिएंट तक आता है। बाकी यहाँ पे टू इन का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो कि आपका ऑडियो FM AM वगैरह के सारे सारे ब्लूटूथ वगैरह के सारे सारी चीजें सपोर्ट करता है। दो स्पीकर के साथ आता है ये, और आपको जितने भी यहाँ पे पावर विंडोज मिलती है सिर्फ और सिर्फ फ्रंट की दो मिलेंगी इसमें। आपको पीछे की जो पावर विंडो मिलती है वो मैनुअल मिलती है, फ्रंट वाली दोनों ऑटोमेटिक मिलती है। नीचे आपको यहाँ पे मिल जाता है 12 V का पावर सॉकेट और एक एक्स्ट्रा सॉकेट के लिए स्पेस मिल जाते हैं, आप कुछ लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। बाकी दो एसी वेंट्स मिल जाते हैं, सॉरी 4 एसी वेंट्स मिलते हैं, मतलब दो इस तरफ और दो इस तरफ नॉर्मल वाले। बाकी इंटीरियर डिजाइन वगैरह लुक्स वगैरह कुछ इस तरीके से प्योर ब्लैक कलर की फिनिश मिल जाती है। ऊपर आपको मैनुअल RVM वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, येलो लाइट्स मिल जाती है। और वैरायटी की बात करें ड्राइवर साइड में कुछ भी नहीं मिलता आपको, और अगर पैसेंजर साइड की बात करें तो पैसेंजर साइड में भी आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स वगैरह मिल जाते हैं, फिक्स्ड नॉन फ्लेक्सिबल वगैरह। बाकी ग्लव बॉक्स की बात करें तो नॉर्मल सा ग्लव बॉक्स वगैरह मिल जाता है, सिंपल सा आपको ग्लव बॉक्स वगैरह देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये सारी चीजें इंटीरियर वगैरह आपका कवर हो गया, सीएनजी वगैरह, इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सारी सारी चीजें मैंने कवर कर ली है। बाकी ट्रांसमिशन की बात करें, मैनुअल एंड AGS ट्रांसमिशन में आती है, AGS आपको ऑटोमेटिक वाले मतलब सिर्फ और सिर्फ मैनुअल पेट्रोल में मिलता है। सीएनजी में जाओगे तो सीएनजी में आपको कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती ऑटोमेटिक में, वो आपको मैनुअल ही लेना पड़ेगा सीएनजी में अगर आप जाते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, यहाँ पे दो ग्लास होल्डर्स वगैरह मिल जाते, थोड़ी बहुत स्पेस वगैरह मिल जाती है, हैंड ब्रेक वगैरह मिल जाता है, आर्मरेस्ट वगैरह कुछ भी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। बाकी भाई एक बार आपको सीएनजी पीछे से लुक भी दिखा देते हैं, तो यहाँ पे आपको सीएनजी सिलेंडर मिल जाता है जिसकी वाटर फिलिंग कैपेसिटी है 55 लीटर की। और यहाँ पे आपको एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्विच भी मिलता है ऑटो कट फंक्शन के साथ, यानी ये इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपकी कार में कभी भी लीकेज होता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो यहाँ से ये आपके कार को आपकी कार की सीएनजी की जो सप्लाई है उसे ऑटोमेटिकली कट कर देगा। बहुत अच्छा फीचर लगता है, आजकल काफी ज्यादा कार्स हैं उनमें भी आपको मिलता है, बट पीछे से सीएनजी सिलेंडर्स के बाद अगर जो बूट स्पेस है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर आप लोग बूट स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, आपकी ज्यादा लॉन्ग ट्रिप्स वगैरह नहीं होती है, आप लोग कहीं ज्यादा लॉन्ग ट्रैवल नहीं करते हो, तो आप सीएनजी वगैरह ले सकते हो, क्योंकि इसमें बूट स्पेस जीरो हो जाता है बिल्कुल सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद। ठीक है, तो ये सारी सारी बात थी, यहाँ पे क्लोज करते हैं इसको। बाकी पीछे बैठ के देखते क्या स्पेस वगैरह मिलता है, क्योंकि ड्राइवर साइड मेरे हिसाब से एडजस्टेड थी, तो पीछे आपको नॉर्मल स्पेस मिलता है, कुछ ज्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन हाँ आपकी नीज वगैरह टच नहीं होंगी। अगर आपकी हाइट 5'8" 5'9" भी है तब भी टच नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अंडर थाई सपोर्ट मुझे थोड़ा सा ना हल्का सा कम लगा, बट ठीक है, जिस हिसाब की कार है यार उस हिसाब से अच्छा खासा आपको सपोर्ट वगैरह मिलता है। यहाँ पे कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता, इससे आपको एडजस्टेबल आपके जो मतलब फिक्स्ड आपके हेडरेस्ट वगैरह देखने के लिए मिलने वाले, सीट बेल्ट वगैरह यहाँ पे मिल जाती है, और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। पीछे से लुक की बात करें डैशबोर्ड की, तो कुछ इस तरीके का लुक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। सेफ्टी के मामले में बात करें तो ABS EBD दो एयरबैग्स वगैरह सारी सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। सो जितने भी चेंजेस थे, जितने भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होने थे, स्पेक्स वगैरह होते, सारे के सारे मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करके आप लोग जरूर जाएं। अगर आप लोग चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहे। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है तो आपको थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बहुत जल्द मिलेगा आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।